हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव साहू कॉर्पोरेट ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले क्रैश बैरियर्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रैश बैरियर्स क्या होते हैं और हमारे इंडियन रोड्स एंड हाईवेज में किस किस टाइप के क्रैश बैरियर्स कॉमनली यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रैश बैरियर्स होते क्या है। आपने जनरली देखा होगा किसी भी हाईवे में ट्रैवल करते हुए आपके लेफ्ट एंड राइट में एक बैरियर साथ ही साथ आपके अलोंग चलता है, वो क्या रहता है, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसे ही हम क्रैश बैरियर्स कहते हैं। क्रैश बैरियर आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि गाड़ी अगर उस पर क्रैश होती है तो उसका इंपैक्ट कम करने के लिए रहता है, या एक तरीके से आप समझ सकते हो एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा गाड़ी अगर बैरियर पे टकरा जाता है तो उसका इंपैक्ट वो काफी हद तक एब्जॉर्ब कर देते हैं ताकि इंपैक्ट आपके पैसेंजर कंपार्टमेंट तक ना आए और आपको ज्यादा हार्मफुल चोटे ना आए। तो ये होता है हमारे क्रैश बैरियर का काम, इंपैक्ट एब्जॉर्ब करना। अब जान लेते हैं कि हमारे क्रैश बैरियर्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले टाइप का जो हमारा सबसे कॉमनली यूज होता है हाईवेज में, वो होता है हमारा डब्लू बीम बैरियर। जो हमारा डब्लू बीम बैरियर होता है उसमें आप देख सकते हैं कि डब्लू शेप का हमारा बीम अलोंग द हाईवे गया हुआ है, साथ ही साथ ये जो हमारे पोस्ट लगे हुए आई शेप के इस पे ये हमारा बीम माउंटेड है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर आता है वो है हमारा थ्राई बीम बैरियर। ये हमारा डब्लू बीम बैरियर का एक अपग्रेडेड वर्जन है। ये हमारा थ्राई बीम बैरियर हम जनरली एक हाई स्पीड रोड्स पे या एक्सप्रेसवे पर प्रोवाइड करते हैं। ये ज्यादा अच्छे तरीके से इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी गाड़ी को रोड से बाहर जाने से रोकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा डब्लू बीम बैरियर था वैसे हमारे इसमें थ्री बीम है, तो इसलिए इसका नाम है थ्राई बीम बैरियर। नेक्स्ट हमारा बैरियर का टाइप आता है कॉमनली, सबसे कॉमनली जो हर कोई जानता है, कॉन्क्रीट बैरियर। अब कॉन्क्रीट बैरियर जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा बैरियर रहता है क्रैश बैरियर एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है ताकि आपकी गाड़ी का इंपैक्ट एब्जॉर्ब कर सके। बट यहाँ पे आप कॉन्क्रीट बैरियर देख सकते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट से बनता है हमारा। इस पे अगर गाड़ी टकराएगी तो हमारा इंपैक्ट अंदर तक आएगा, इंपैक्ट काफी ज्यादा हजार्डस रहेगा। तो ये जो हमारा कॉन्क्रीट बैरियर होता है ये जनरली आपने देखा होगा कि ब्रिजेस के साइड्स में लगे रहते हैं या फिर हाईवे के बीच में लगा रहता है। इसका मेन पर्पस रहता है कि कोलिजन को एब्जॉर्ब करने का नहीं, इंपैक्ट को एब्जॉर्ब करने का नहीं। इसका मेन पर्पस रहता है कि गाड़ी आपका एक लेन से दूसरे लेन में ना चला जाए जो कि हमारा अपोजिंग लेन हो सकता है। अगर आपका गाड़ी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है और अगर वो अपोजिंग लेन में चला जाता है तो आपकी गाड़ी तो एक्सीडेंट होगी होगी, साथ ही साथ में अपोजिंग लेन से अगर कोई गाड़ियां आ रही है तो उनके साथ भी कोलिजन हो सकता है और एक के ज्यादा मल्टीपल कैजुअलिटीज हमें वहां देखने को मिल सकती। तो हमारा यहाँ पे कॉन्क्रीट बैरियर प्रोवाइड करता है, ब्रिजेस पे इसलिए प्रोवाइड करते हैं, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये डिफ्लेक्ट नहीं करता बाकी बैरियर्स की तरह, ये बैंड नहीं होता, ये सीधा गाड़ी को अपॉन इंपैक्ट कितनी भी स्पीड में हो उसको वहीं का वहीं रोक देता है। तो ब्रिजेस में हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ब्रिजेस हमारे हाइट पे रहते, काफी ज्यादा एलिवेटेड रहते, अगर वहां से गाड़ी नीचे गिरेगी तो नीचे ऑनगोइंग ट्रैफिक पे भी लग सकता है और गाड़ी में जो पैसेंजर है उसको भी बचा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कॉन्क्रीट बैरियर हम इसलिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ बैरियर आता है वो आता है केबल बैरियर। केबल बैरियर टाइम बाय टाइम इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन रीजन है ये जो हमारा केबल है एक हाई टेंशन केबल है, काफी टाइटली ये फिटेड है। ये जो केबल है अगर इस पे गाड़ी कोलाइड करती है तो उसका इंपैक्ट काफी अच्छी तरीके से ये एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी कार हो, अगर आपका फ्रंट जो बंपर से लेकर बॉनेट तक का जितना एरिया रहता है उसे हम कहते हैं क्रम्पल जोन, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अपॉन इंपैक्ट या एक्सीडेंट होता है तो वो पूरा इंपैक्ट एक्सीडेंट का झेले और क्रम्पल होकर बैंड हो जाए। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्सीडेंट का इंपैक्ट है वो आपके बोनेट तक ही रहेगा, आपके पैसेंजर कंपार्टमेंट तक नहीं आएगा। ये एक सेफ्टी फीचर है। आपको जनरली लगता होगा कि गाड़ी अगर ठुक जाती है तो काफी जल्दी से डैमेज हो जाती है, तो उसको डैमेज होने के लिए ही बनाया जाता है। अगर वो डैमेज नहीं रहेगा, अगर बहुत ज्यादा रिजिड रहेगा तो उसका जितना इंपैक्ट है वो आपके अंदर पैसेंजर कंपार्टमेंट तक आएगा। अगर इंपैक्ट पैसेंजर कंपार्टमेंट तक आएगा तो आपको काफी ज्यादा नुकसान वो पहुंचा सकता है। तो ये केबल बैरियर वही काम करते हैं, जितना इंपैक्ट रहता है वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पैसेंजर कंपार्टमेंट तक आने नहीं देते, सिर्फ हमारे कार का फ्रंट बम्पर ही डैमेज होता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ बैरियर हमारा हम बात करने वाले हैं वो आता है हमारा पोर्टेबल बैरियर। अब ये तो आप सबने देखा होगा कि ये बैरियर पोर्टेबल है, नाम से ही आपको पता चला पोर्टेबल है, मतलब हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये ऐसा पार्टीशन काम करता है, अगर आपको कहीं पे एक बैरियर प्रोवाइड करना है इजिली आप इसे ले जाकर रख सकते हो एज अ बैरियर, ये वहां पे काम करेगा डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्रैश कुशंस।
क्रैश कुशन इंडिया में उतने ज्यादा पाए नहीं जाते, उतने ज्यादा वाइडली यूज नहीं होते, ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में देखे गए। बट इसका जो मेन पर्पस है, अपॉन इंपैक्ट, इसे हम हाईवे के एंड पे लगाते हैं। इसका मेन पर्पस रहता है कि अगर बाय चांस आप एक बड़ी गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आपका अगर ट्रक है, बस है या आपकी कार है, अगर आपका ब्रेक फेल हो जाता है तब आप क्या करेंगे, आप गाड़ी कैसे रोकेंगे? अगर आपको गाड़ी को सडन स्टॉप करना है खुद को बचाते हुए, तो आप क्या करेंगे ब्रेक फेल की सिचुएशन में, हाई स्पीड में? तो इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इस पे आप जबरदस्ती गाड़ी को लाकर ठोक दे, इंपैक्ट दे, ताकि ये जो कुशन्स है हमारे क्रैश कुशन्स, ये पूरा एब्जॉर्ब कर ले आपका इंपैक्ट और आपको जान हानि होने से बचाए। तो ये क्रैश कुशन्स काम कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक बॉल्स दिख रहे हैं, ये बहुत सारे बॉल्स यहाँ पे 1, 2, 3 अंदर पे फिटेड है। अब इसके अंदर क्या होता है, या तो किसी तरीके का लिक्विड या वाटर हम भर कर रखते हैं। आपको पता है अगर हम वाटर को पंच करते हैं तो पूरा फोर्स अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक उसी तरह जब गाड़ी इस पे इंपैक्ट करेगी तो ये बॉल्स फूट जाएंगे, इसके अंदर के वाटर्स बाहर निकल जाएंगे और पूरा जितना इंपैक्ट का फोर्स है ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जाते जाते मैं आपको एक बोनस क्रैश बैरियर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, एनवायरमेंट को इंपैक्ट नहीं करता। वो है हमारा बैंबू का बना हुआ क्रैश बैरियर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बैंबू से बना क्रैश बैरियर। ये हो चुका है इंडिया में, इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में हमने 200 मीटर का बैंबू का क्रैश बैरियर बनाया है और टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि स्टील से ज़्यादा ये इम्पैक्ट झेल सकता है, उतना कम डैमेज हमें प्रोवाइड करता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है। तो इसके लिए मैं एक अलग से कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते कि मैं इसके लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँ, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो चाहिए। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूँगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।